Hello people welcome to the session I'm Rashida Saraswati Seva your Vedanta Chemistry Master Teacher and I hope you guys are doing amazing so bhaiyur bhairo aaj phare banate hain chalo pen paper uthalo aaj cheat sheet banayenge of metals and non-metals alright guys I'm just kidding uh, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैम इज प्रमोटिंग चीटिंग इन एग्जाम नो no, नॉट एट ऑल कृपया करके कहीं बोल मत आना कि हमें यूट्यूब पे रचा मैम ने चीटिंग करना सिखाया है नो 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 अब मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ मैं वैसी बच्ची रही हूँ बिल्कुल जो कि ना चीटिंग करने देती थी ना कराती थी hmm. कई लोग अभी सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे इस बारे में सो या और रह गए सो विदाउट एनी डीलिंग लेट्स केन आर सेल स्टार्ट चीट शीट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए एसिड बेसन सॉल्स के लिए चीट शीट लाई थी अगर आपने वो सेशन मिस करा है तो डू चेक दैट आउट क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है आप लोगों के पास और वो है टाइम बचाने के लिए चीटशीट और सबसे बड़ा सहारा हर एक बच्चे का सहारा बनता है चीट शीट जहाँ पे आप एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे सकते हो कुछ ही पन्नों में और आप लोग को एनसीईआरटी के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं होती है और वो टाइम आप किसी और टॉपिक के लिए लगा सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है या आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं सो या दैट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्मार्ट प्ले एग्जाम से पहले शीट्स

मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया है डू चेक इट आउट क्योंकि यहाँ पे मैंने सैम्पल पेपर से उठा के आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखे थे वे यू कैन सी कि बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाता है लेकिन मोर ओवर आंसर वही रहता है टॉपिक्स आर रिपीटेटिव मोस्टली एवरी सो उसका पार्ट वन निकाला था पार्ट टू विल कम सोन केमिकल रियक्शन एंड इक्वेश को एनसीआर टी लाइन बाय लाइन हम लोग ने पूरा पी लिया है घोट लिया है अगर आपने ये सेशन भी मिस करा है तो प्लीज गो एंड सी दैट क्योंकि सेशन के आपको एनसीआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम तक तो कतः ही नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग यहाँ पर वी कंप्लीटेड ऑल इंटेक्स क्वेस् सारे हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन करे हैं उसके बाद वन मार्क के क्वेश्चन भी कंप्लीट करे थे नाइन पी एम सेशन सो यस दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वील बी गोइंग ऑन विथ शीट शीट्स ऑफ मेथल्स एंड नॉन मेटल्स और आगे आने वाले सेशन में हम लोग इथेनॉल एंड इथेनोइ एसिड कंप्लीट करेंगे ऑफ कार्बन अनिट्स कंपाउंड अलॉन्ग विद दैट लैब मैनुअल कंप्लीट नहीं होता है काफी बच्चों का लैब मैनुअल कंप्लीट नहीं होता है सो आई विल टेल यू कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है एक्चुअली फ़ायदा कोई नहीं होता है नुकसान ही नुकसान है सो या वी टॉक अबाउट इट सो गर्स यू कैन फाइन मी ऑन माई इंस्ट चैनल एज वेल एज ऑन टेलीग्राम ग्रुप आपको नोट्स मिल जाएंगे पी डी एफ्स मिल जाएंगे सो प्लीज़ गो एंड जॉय सो लेट्स टूगेदर और कुछ अच्छा काम करते एग्जाम से पहले की जीत की तैयारी के बारे में सो so, आप लोग को मेटल्स के बारे में जितना पता है आप एक शीट पर लिख दो तो. चाहे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो तो आपके दो बड़े बड़े पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो हमने भी यही करा है एक पेपर पे आप बस हिंट्स लेते जाओ दैट ओके मेटल्स आर सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है डेंसिटी हाई होती है मेलेबल है डॉप्टाइल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो हमने एक कॉर्नर uh, में इसके बारे में थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेंशन कर दिया अगर आपको मेलियेबल और डाकटिलिटी के बीच में कन्फ्यूजन होता है बॉस तो आप प्लीज अपने लिए यहाँ पर ब्रैकेट में हिंट छोड़ सकते हो कि ये शीट है और डाकटाइल का मतलब होता है कन्वर्टिंग देम इनटू

जब रिवाइज uh, करने बैठते हो तो एग्जाम्पल देखते ही यू रिकॉल सो मेनी थिंग्स काफ़ी कुछ हिट हो जाता है दिमाग पे तो एक एक एग्जाम्पल ज़रूर देना अपनी चीट शीट बनाते टाइम आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा देन फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ मैग्नीशियम लिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और प्लस हीट का सिंबल भी लगा दो अलॉन्ग विद डैट आप सोडियम के बारे में भी देख सकते हो पोटेशियम एंड सो ऑन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बॉस कॉपर जबकि ये हाइड्रोजन के नीचे है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कॉपर भी रिएक्ट करता है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभी मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है तो बॉस दोनों के चांसेस है मेटल ऑक्साइड के भी और मेटल हाइड्रोक्साइड के भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कुछ मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जिंक है आयरन है ठीक है और एलूमिनियम है ये तीन ऐसे मेटल हैं कि जो बॉस स्टीम के साथ रिएक्ट करके दे विल गिव रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड उसके साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस Fine. आप ये भी लिख सकते हो अपने यहाँ पर नोट्स में कि पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं मतलब दो रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं तो चीट शीट का पूरा आइडिया यही होता है कि जब आप लास्ट में अपने चैप्टर को रिवाइज करो तो आपके पास सब उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाने चाहिए जो आप मिस कर सकते हो सो यू कैन राइट दोस्त पॉइंटर्स कहीं साइड में नाउ मेटल प्लस एसिड डाइल्यूट एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा यू कैन गिव वन एग्जांपल ऐसे ही अगर मैं सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेटल क्लोराइड बनाएगा जैसे कि सोडियम क्लोराइड ऐसे ही हाइड्राइड सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव यू सोडियम हाइड्राइड एंड सो ऑन

अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉन मेटल्स को आपने देखा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए एंड दे फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड अब हिंट में आप ये सक, लिख सकते हो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर और क्योंकि एसिडिक होते हैं तो बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं बट नॉन मेटल्स एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते नाउ दिस इज क्रिएटेड फॉर यू गाइस सो दैट आप लोग को आसानी हो जाए एग्जाम में ये सारे हैं ऑफ ऑफ दिस चैप्टर मेटल्स मेटल्स एंड नॉन पे हम आयोडीन की बात करें आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल होते हुए भी वो लस्चरस प्रॉपर्टी रखता है मौकरी मेटल होते हुए भी इट्स अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर सो मौकरी एक ऐसा लौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट रखता है एट रूम टेम्परेचर नॉट ओनली दैट ब्रोमीन का जो ब्रोमिन बींग नॉन मेटल

बींग मेड एंडली फ्रॉम नॉन मेटल ये फिर भी काफी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सो ग्री फाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेर एज डायमंडरी वेरी हार्ड इट इज लास्टर दो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन विच इज अ नॉन मेटल और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एज अ नॉन मेटल जिनका लो रहता है नॉर्मली लेकिन डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई बिगेस्ट इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ आल्ली मेटल्स की बात करें आल्ली मेटल्स बोले तो एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटाशियम ये एक्सेप्शनली सॉफ्ट मेटल्स है विच कैन बी कट विद नाइफ वेरी इजिली गैलीमें सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव तो दूसरे मेटल्स का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इट्स वेरी वेरी हाई दे आर वेरी सॉलिड ऑल्सो एक्सेप्शनल मेटल्स में कौन आएगा गैलियोम सीजियम सो यू कैन मैंशन अ कम्प्लीट एक्सेप्शन का लिस्ट क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल्स एग्जाम uh, में क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं Now moving on to very own reactivity series. Metals and non-metals के अंदर reactivity series का काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बस क्योंकि पूरी series ही metals की है We also call it as metal activity series. Series को याद करने के लिए trick I have already discussed with you so many times. आप लोग मेरे uh, shorts जाके भी देख सकते हैं तो मैंने इसके ऊपर shorts भी बनाए हैं

रिएक्ट uh, करेगा इनफैक्ट मर्करी और सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नाउ कमिंग अप टू डाइल्यूट एसिड तो हाइड्रोजन के ऊपर तक ही एसिड के साथ रिएक्शन होगा जस्ट बिकॉज अगर मेटल हाइड्रोजन uh, के नीचे है और वो एसिड के साथ रिएक्ट हो तो हाउ विल दैट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ एसिड अगर मैं बोलूं कि कॉपर बॉस एच के साथ रिएक्ट होगा तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे करेगा नहीं कर सकता सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल हैज़ टू बी अ एक्टिव मेटल फिर वाटर के साथ रिएक्टिविटी आपकी लगभग अलूमिनियम तक रहती है

नाउ अगर हम लोग मेटल्स और मेटल्स और नॉन की बात कर ही रहे हैं तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात जरूर करेंगे बोले तो बॉन्डीन कौन से और नेगेटिव? बोले तो, नेगेटिव बोले तो, अब का जो मेन पार्ट है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डेफिनेशन में आप ये लाइन मिस कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते मेटल से नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज मेड वेन मेटल ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल। यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आता है तो इसको भी आप यहाँ साइड में माइंड मैप में शो कर लेना जस्ट वन एग्जाम्पल वुड बी मोर देन इनफ नाउ

Now talking about the metallurgy part. Metallurgy क्या होती है, minerals क्या होते हैं, ores क्या होते हैं, इनके definition एक-एक line में you can mention it in your mind map. Minerals हो गए जिने हम earth crust से निकालते naturally. राइट एक्सट्रैक्टेड देन ओर्स हो गए जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एंड लास्टली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखते हैं फ्रॉम दी ओर. अगैन इट है प्रॉफिटेबल एंड कन्वीनियंट मेथड टॉकिंग अबाउट मेटेलॉजी वी हैव कम्पाइल्ड पूरे मेटोलॉजी को हमने एक फ्लो चार्ट में पूरा खत्म कर दिया है सो so, अगर लास्ट मिनट आप इस फ्लोचार्ट को देखते हो तो आपके दिमाग में हर एक पॉइंट याद आने लगेगा सो so, अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी के है तो उनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन और जरूर लिखना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो आप एक्विस

Now, आपको कुछ मेटल्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलते हैं फ्रॉम लो रिएक्टिविटी जिनको आप सीधा हीट करते हैं एंड मेटल विल बी एक्सट्रैक्टेड और इसे फिर हम फर्दर रिफाइन करते हैं ठीक है तो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वो आपके मॉडरेट और लो रिएक्टिविटी के मेटल्स के लिए अप्लाई होता है नॉट फॉर हाई रिएक्टिविटी आई होप दैट इज कर टू ऑल फू ओके नाउ मूविंग ऑन टू कोरोजन कोरोजन क्या है ईटिंग अप ऑफ मेटल्स जस्ट बिकॉज अटैक ऑफ आप दे सकते हो कि अगर टर्निश होता है तो वो टर्न सिल्वर टर्निश होता है तो वो ब्लैक कलर में टर्न होता है टर्न होने का वजह क्या है क्या लेयर बनती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट अगर ब्लैक कलर में सिल्वर टर्न होता है तो उसका क्या रीजन है बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड क्या सिल्वर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रियाक्ट करके ब्लैक होता है नो सिल्वर रियाक्ट विद एच Gas and form AG2S, which turns in black in colour. Now, rusting ka formula 1 mark, push leta hai, which is Fe2O3.xH2. Ferric oxide, uh, that is X.

question on screen pop, pop, pop homework complete karna hai boss so name a metal which can form लेट्स सी कैन आंसर दिस इन चैट बॉक्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू प्रेस द लाइक बटन आई वुड फील रियली गुड अबाउट इट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस सो फिर मिलेंगे चलते चलते गैस दिस इज मी राजू है